नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बार सूर्य को जब देखा तो उन्होंने उससे फल समझकर निगलने की कोशिश की थी, और जब वे उसको अपने मुंह में डाल रहे थे तब अंधकार हो गया था, और जैसे ही इंद्र को पता चला तो इंद्र ने उनके हनु पे यानी कि उनकी ठुड्डी पे वज्र से प्रहार किया था, और इसकी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ गया है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि रावण ने उसी समय उनकी पूँछ पकड़कर हनुमान जी की पूँछ पकड़कर लटक गया था? क्या इस घटना के बारे में आप लोगों को मालूम है? तो आज मैं बताना चाहूँगी कि भविष्य पुराण में ये घटना वर्णित है, और ऐसा माना जाता है कि जब इंद्र ने हनुमान जी के हनु पर प्रहार किया था वज्र से, तो वे मूर्छित हो गए थे, और उस समय वे जब मूर्छा में जाने वाले थे, उससे पहले जब रावण ने देखा कि ये अंधकार कैसा हो गया है, उसने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया, और वे तब हनुमान जी के पास पहुँचे और उनकी पूँछ पकड़ के लटक गया थे। और हनुमान जी का और रावण का वह जो युद्ध था वह एक वर्ष तक चला था। इसके बाद जब यह बात रावण के पिता विश्रवा मुनि को पता चला, तब वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने तपोबल से और अपने वेदों के ज्ञान और श्लोकों से रावण का और जो हनुमान जी हैं उनको, रावण को वहाँ से हटाया और हनुमान जी को प्रसन्न किया, और इस तरह रावण और हनुमान जी का जो ये युद्ध है उसको बंद करवाया था। अगर आपको इस कहानी के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको लगता है कि ये औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।